की उपाध्यक्ष है कृष्ण तिवारी जी, सम्मानी भोला प्रसाद द्विवेदी जी, सुरेश चतुर्वेदी जी, पवन तिवारी जी, रमाकांत गौतम जी, सुरेश गौतम जी, डॉक्टर मुजीब खान जी जो पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रत्याशी रहे, श्रीमती प्रियंका तिवारी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री सौरभ तिवारी जी, श्री राम शंकर मिश्रा जी, श्री राजेश अग्रवाल यादव जी, राम कुशल यादव जी, कमलेश्वर तिवारी जी, श्रीमती प्रियंका तिवारी जी, ऐसे समस्त लोग भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मैं बहुत बहुत उनका स्वागत और वंदन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मऊगंज के सम्माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आभार कि ये हमारे भावनाओं का, हिंदुओं के सम्मान का, कांग्रेस को अपमान करने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने बार बार हिंदुओं की भावनाओं का कुठाराघात किया, बार बार उनको अपमानित किया। हमने निमंत्रण दिया, हमको मालूम राम मंदिर में अलंगे किसी ने लगाया तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, बड़े बड़े पदाधिकारी ये बेशरम होकर के सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मंदिर का फैसला नहीं करने के लिए बार बार अलंगे लगाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इनने जितना करना था वो सब कर लिया। लेकिन सौभाग्य की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जब फैसला दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया हमारे अपने देश के अंदर। बोला जय जय श्री राम। अयोध्या का धाम आज दुनिया में इस बात की मिसाल बन गया कि हिंदू हो या मुसलमान, और तो और जिनने 70 साल तक इस मुकदमे में सामने आकर के मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व किया, वो भी प्रसन्नता के साथ लोकार्पण में शामिल हुए। ये हमारे देश का अपना चरित्र है, यह राम और रसखान की संस्कृति है। लेकिन अगर कोई नहीं गए तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बहिष्कार नहीं किया, अरे निमंत्रण ठुकरा दिया। एक बात ध्यान रखना, जिसने भगवान राम के मंदिर निमंत्रण को ठुकराया है, अब जनता इनको नहीं ठुकराएगी? ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? आने वाले 19 तारीख को, या तो 26 तारीख को रीवा के अंदर आज हम नॉमिनेशन करते, कैसे आता था इन्हें पता नहीं, क्या मेरी किस्मत है, कैसे आना पड़ता रीवा। और ऐसे जब रेल से आता था तो रेल के डब्बे में बैठ के इधर देखता, तो जैसे ही बरसात गई खेत खाली पड़े, क्या खपड़ेल के मकान वो, क्या कवेलू कवेलू, अंग्रेजी कवेलू के बजाय हमारे बड़ा मन में ऐसी पीड़ा होती थी कि भगवान इस पे किसकी नजर पड़ी। ये तो वो धरती है जिनने भगवान राम को 11.5 साल अपनाया, अपने आगोश में लिया, उनको आशीष दे करके ये धरती धन्य हुई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने आजादी के बाद अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा की तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि वर्षों पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती थी, जो अभी हुआ वो 70 साल पहले हो जाता, कितनी पीढ़ियां सुधर जाती, कितने लोगों का भला हो जाता। मुझे मालूम है रीवा के लोगों की काम करने की काबिलियत और रीवा के लोगों की अपनी क्षमता, रीवा सतना, अरे ये तो देवभूमि है जहाँ के लोग इतने पवित्र मन से काम करते कि दुनिया में एक अलग अपनी मीठी जबान के लिए जाने जाते और अपने काम से पहचाने जाते। लेकिन दुर्भाग्य से लगातार नजरअंदाज किए, बड़े बड़े लोग यहाँ थे लेकिन केवल वोट लेकर के सरकार बनाना और सरकार बना के मौज मस्ती करना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उसके उल्टे जैसे ही भाजपा की सरकार बनी पूरा परिदृश्य बदल गया। कहां छोटी सी तहसील के नाते से जाना जाने वाला रीवा, आज हर कोई लालायित होता कि मेरा मकान रीवा में हो, काश मेरा संबंध रीवा तरफ हो, रीवा संभाग में। और केवल रीवा क्यों, रीवा सीधी सिंगरौली, ऐसा लगता था श्रीलंका में जा रहा है। आने के रास्ते नहीं, जाने के रास्ते नहीं, रेल के ठिकाने नहीं, और कहने के लिए नीचे धरती रत्न गर्भा, क्या चीज नहीं थी वहां, सब कुछ है। अगर नहीं थी तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी विकास करने के लिए, कांग्रेस ने गुलाम बनाया हुआ था क्षेत्र को। और जैसे कि बात निकली है कहां 70 साल और कहां 10 साल, ये चुनाव जो हो रहा है ये हमारे 10 साल का चुनाव हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में
पहले मैं थोड़ी राज्य सरकार में बात करना चाहूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।